मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। अब हम ट्रस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हमको सारे मेंबर्स का फोर्सेस निकालना है बाय द मेथड ऑफ जॉइंट्स। हमको मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज़ करके सारे मेंबर का फोर्स निकालना है। तो आपके सामने एक ट्रस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें 5 मेंबर्स हैं। सबसे बेसिक जो स्टेप है आपका, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट इज रिएक्शन कैलकुलेशन। आप सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेशन करने वाले हैं, विल गो फॉर रिएक्शन कैलकुलेशंस। जैसे एक हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ना, तो देर विल बी वन वर्टिकल रिएक्शन वी ए एंड वन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए। यहाँ पर 80 एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, आप देख सकते हो ये 80 का फोर्स राइट जा रहा, तो सिंपल सी बात है इसका जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो लेफ्ट जाएगा, दैट विल गो लेफ्ट। ये मेरा एक अजम्पशन है कि मैंने एच ए का जो डायरेक्शन है मैंने लेफ्ट पर अज्यूम किया है। डी पॉइंट पे एक रोलर सपोर्ट है तो वहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, उसको हम बोलेंगे वी डी, विल कॉल इट एज वी डी। अब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके एच ए वी ए एंड वी डी वर्कआउट कर सकते हैं। तो लेट अस अप्लाई समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें राइट वाला फोर्स पॉजिटिव, लेफ्ट वाला फोर्स नेगेटिव लेंगे। आप देख सकते हैं 80 राइट जा रहा तो 80 इज पॉजिटिव, एच ए लेफ्ट जा रहा तो माइनस एच ए, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके एच ए की वैल्यू कितनी आती है, एच ए विल बी 80 किलो न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ एच ए विल बी 80 किलो न्यूटन। अब वी ए और वी डी निकालने के लिए आप दूसरा इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो। इसका साइन कन्वेंशन है अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं वी ए अप जा रहा है, वी डी भी अप जा रहा है। ये मेरा अजम्पशन है कि वी ए और वी डी अप जा रहा है। सो वी ए प्लस वी डी, यहाँ पर कोई भी वर्टिकल लोड नहीं है तो वर्टिकल लोड ना होने की वजह से इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो से। देयर फोर वी ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी, वी ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी। लास्ट स्टेप में सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे पॉइंट ए पे जीरो, जिसका साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। हम जॉइंट ए पे सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे जीरो, सो उसका साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब इसको ध्यान से समझना, जॉइंट ए पे आपके दो फोर्सेस पास हो रहे हैं, एक है वी ए एक है एच ए। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शंस मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बट आपके पास 80 का फोर्स है, आपके पास वी डी है, तो ये दोनों मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। 80 का फोर्स है उसको जाना है ए पॉइंट पे, तो इट विल गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 80 का फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 3 का, सो इट विल गो क्लॉकवाइज, सो 80 इंटू 3। नेक्स्ट है वी डी। अगर मैं वी डी की बात करूँ तो अगर मैं उसका मोमेंट दूँ ए पे तो इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज, तो वी डी का फोर्स जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 4 का, सो दिस इज माइनस वी डी इंटू 4, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, 80 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू वी डी। तो आपका वी डी का वैल्यू कितना आता है, वी डी विल बी इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। यहाँ पर आपका वी डी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मेरा लिया हुआ अजम्पशन करेक्ट है। आपने अज्यूम किया था कि वी डी अप जा रहा है तो आपको यहाँ पर वी डी को अप शो करना पड़ेगा लाइक दिस। एंड आपने देखा कि वी ए इज माइनस ऑफ वी डी और वी डी की वैल्यू है 60, दिस इज माइनस ऑफ 60 किलो न्यूटन। आप देख सकते हैं वी ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स डायरेक्शन इज रॉन्ग। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, रॉन्ग है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रॉन्ग। तो आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा, से वी इक्वल्स टू 60, वी इक्वल्स टू 60 किलो न्यूटन। मैंने अपवर्ड अज्यूम किया था, वी अज्यूम द वैल्यू ऑफ वी ए टू बी अपवर्ड, बट वो आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब वो रिएक्शन जाएगा डाउनवर्ड। सो वी ए इज 60 किलो न्यूटन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अगर मैं इसका मॉडिफाइड डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस प्रकार देखने वाला है।
तो आपके सबसे पहले स्टेप में आपने रिएक्शन वर्कआउट कर लिया। रिएक्शन कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोर्सेस निकालने के लिए। अब यहाँ पर आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स को यूज़ करके हर मेंबर का फोर्स निकालना है। आपके पास मेंबर्स कितने हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी एंड बी डी। यू हैव फोर मेंबर्स विद यू, सो आई हैव टू वर्कआउट द फोर्सेस इन ऑल दीज थ्री मेंबर्स, ऑल दीज फाइव मेंबर्स, सॉरी, यू हैव टू वर्कआउट द फोर्सेस इन ऑल दीज फाइव मेंबर्स बाय द मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द स्टेप नंबर टू, फोर्सेस इन ईच मेंबर्स, इन ईच मेंबर वी हैव टू कैलकुलेट। सो यहां पर आपको जॉइंट को प्रिफर करना पड़ेगा। आपको एक जॉइंट चूज करके उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा जॉइंट सर्च करिए जहां पर दो मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं। यू हैव टू सर्च सच अ जॉइंट वेयर टू मेंबर्स आर कनेक्टिंग। तो आप देख सकते हैं जॉइंट ए पे आपके दो मेंबर्स हैं, ए बी और ए डी। तो मैं सबसे पहले जॉइंट ए का इक्विलिब्रियम ले लेता हूँ। विल चूज जॉइंट ए। अगर मैंने उसका एफ बी डी ड्रॉ किया, विल ड्रॉ द एफ बी डी। एफ बी डी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए। तो इसका एफ बी डी कैसा बनेगा, ये जॉइंट ए है, इसका एक फोर्स जा रहा है लेफ्ट 80 का, 60 का फोर्स जा रहा है डाउनवर्ड, एक मेंबर है एडी, एक मेंबर है एडी और एक मेंबर है एबी। लेट अस से जो आपका 60 का फोर्स है डाउन जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए है, उसको काउंट्रैक्ट करने के लिए आपके पास मेंबर है एबी। लेट अस से उसका फोर्स मैं अपवर्ड अज्यूम करता हूँ। सो दिस इज फोर्स इन एबी। एडी आप देख सकते हो 80 का जो फोर्स है वो लेफ्ट जा रहा है। तो मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि एडी का फोर्स ये भी राइट जा रहा है, इट विल गो इन राइट डायरेक्शन। सो फोर्स इन एडी, आपको जस्ट सिंपली पहले डायरेक्शंस को अज्यूम करना है एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सो अब मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस का इस्तेमाल करूँगा एंड इन दोनों मेंबर्स में फोर्सेस वर्कआउट करूँगा। सो सबसे पहला इक्विलिब्रियम है, विल अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन एट जॉइंट ए। जॉइंट ए की बात कर रहे हैं हम लोग। आप वहां पर सबसे पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए। साइन कन्वेंशन सेम है, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। आप देख सकते हैं 80 का फोर्स लेफ्ट जा रहा है एंड फोर्स इन एडी जो आपका अननोन है वो राइट जा रहा है। आपके पास टोटल दो फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो 80 इज गोइंग लेफ्ट एंड फोर्स इन द मेंबर एडी इज गोइंग राइट, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपका एडी का फोर्स कितना आता, वो आता है 80 किलो न्यूटन। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था, आपने डायरेक्शन क्या अज्यूम किया था, आपने डायरेक्शन जूम किया था राइट वर्ड, वो करेक्ट है। उसके बाद आपको इसका नेचर बताना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या है, आइदर इट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना, आपका जॉइंट ए है, आपका जो फोर्स है ए बी का वो जॉइंट से दूर जा रहा है, इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो इसका जो नेचर बनता है वो बनता है टेंसाइल, दिस इज टेंशन, मतलब इसमें आप पुल कर रहे हो उसको। सो अगर जॉइंट से फोर्स दूर जाता है तो उसको बोलते हैं टेंसाइल नेचर। अब हम फोर्स इन मेंबर ए बी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ आई इक्वल्स जीरो। आप देख सकते हैं 60 डाउन जा रहा है और फोर्स ए बी अप जा रहा है। सो माइनस 60 प्लस फोर्स इन द मेंबर ए बी, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से फोर्स इन ए बी कितना आता है, वो आता है 60 किलो न्यूटन। आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब अज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है, मैंने उसको अपवर्ड अज्यूम किया था। आप देख सकते हैं जॉइंट ए से आपका जो फोर्स है ए बी वो अवे जा रहा है, इट इज़ गोइंग अवे। तो इसका भी नेचर क्या है, इसका भी नेचर है टेंसाइल, दिस इज टेंशन। यहाँ पर आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है कि हर फोर्स में
नेचर क्या आ रहा है फोर्सेस का। नेक्स्ट, अब आपको दूसरा जॉइंट सर्च करना है जहाँ पे दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं। तो आपका जॉइंट ए के बाद आपका जॉइंट सी है जहाँ पे दो मेंबर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो लेट अस टेक एफ बी डी ऑफ, विल टेक एफ बी डी ऑफ जॉइंट सी। तो मैं यहाँ पे जॉइंट सी का एफ बी डी ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज सी, यहाँ पे एक फोर्स आपको दिया हुआ है 80 का, 80 किलो न्यूटन। आप सिंपली यहाँ पर समेशन एफ एक्स अप्लाई करेंगे इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं 80 का फोर्स राइट जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक ही मेंबर अवेलेबल है जिसका नाम है सी बी। दिस इज सी बी, 80 राइट जा रहा है तो फोर्स इन मेंबर सी बी जाएगा राइट, सॉरी लेफ्ट जाएगा, इट विल गो लेफ्ट। दिस इज फोर्स इन मेंबर सी बी। तो यहाँ पे आप समेशन एफ एक्स अप्लाई करेंगे, राइटवर्ड पॉजिटिव लेफ्टवर्ड नेगेटिव, फोर्स इन बीसी जा रहा है लेफ्ट तो एफ सी बी इज लेफ्ट, 80 जा रहा है राइट तो प्लस 80 दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फोर्स इन द मेंबर सी बी इज 80 किलो न्यूटन। आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब अज्यूम डायरेक्शन क्या है करेक्ट है। आप देख सकते हैं आपका जो फोर्स है वो जॉइंट से अवे जा रहा है, सो इट मस्ट बी टेंशन इन नेचर, इट इज टेंसाइल नेचर। नेक्स्ट, अगर आप समेशन एफ वाई यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सी लेट अस मैं इसका अज्यूम करता हूँ डायरेक्शन डाउन, ये मेरा जॉइंट डी था, दिस इज फोर्स एफ सी डी। तो जब समेशन एफ वाई अप्लाई किया तो एफ सी डी डाउन जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है, सो वहाँ पर फोर्स क्या आएगा, इट विल बी ज़ीरो। ठीक है, जब आपने जॉइंट सी लिया, जॉइंट सी पे कोई वर्टिकल लोड नहीं है तो वहाँ पर एफ सी डी का जो फोर्स है वो आएगा ज़ीरो, बिकॉज देर इज़ नो अनदर फोर्स टू बैलेंस इट। इसका साइन कन्वेंशन था अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। सो आपने वर्कआउट कर लिया इन दोनों मेंबर्स के फोर्सेस को। अब मैं लास्ट जॉइंट लूँगा, जॉइंट डी, विल टेक द जॉइंट डी। सी आपका सी डी पे आपका आंसर कितना है फोर्स का, वो आया ज़ीरो। इसके बाद मैं लूँगा जॉइंट डी। सो लास्ट इज टेक एफ बी डी ऑफ जॉइंट डी। जॉइंट डी को लग के कितने मेंबर्स है, एक है डी, दिस इज डी सी एंड दिस इज डी बी। लेट अस सी एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा। आप देख सकते हैं फोर्स इन एडी, फोर्स इन एडी क्या था, दैट वॉज 80 टेंसाइल। तो जब एडी का फोर्स टेंसाइल है तो डीए का फोर्स भी टेंसाइल है ना, आपको उसको ऐसा शो करना पड़ेगा। दिस वॉज 80, तो मैंने पहले वर्कआउट कर लिया था। फोर्स इन डी सी वॉज ज़ीरो एंड जॉइंट डी पे एक वर्टिकल रिएक्शन आया था आपका, दिस वॉज वी डी इक्वल्स टू 60 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मैं यहां पर भी इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करके मेंबर बीडी का फोर्स वर्कआउट करूंगा, बट उसके पहले आपको थीटा की वैल्यू पता चलनी चाहिए, यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ थीटा। सो ये है एंगल थीटा, आपको इसका अपोजिट पता है वो है 3 मीटर, एडजेसेंट है 4 मीटर, तो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5 मीटर का। तो आप सिंपली यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा वर्कआउट कर लीजिए। सो यहाँ पे साइन थीटा अगर मैं वर्कआउट करता हूँ, साइन थीटा का अपोजिट है 3, उसका हाइपोटेन्यूस है 5, तो 3/5 दिस बिकम 0.6। आप कॉस थीटा भी निकाल लीजिए, थीटा का एडजेसेंट कितना है वो है 4, उसका हाइपोटेन्यूस कितना है वो है 5, दिस बिकम्स 0.8। तो आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू वर्कआउट कर ली। अब हम यहाँ पर मेंबर बी डी का फोर्स निकालेंगे। सी 60 का फोर्स अप जा रहा है, मतलब मेंबर बी डी का जो फोर्स है इट मस्ट बी डाउनवर्ड, इट मस्ट बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये है आपका फोर्स इन द मेंबर बी डी। अब इसको सॉल्व करने के लिए लेट अस अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन वाई डायरेक्शन, समेशन एफ वाई ज़ीरो, विल अप्लाई द इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन।
सो समेशन एफ वाई इक्वल जीरो। आप देख सकते हैं फोर्स बी डी इंक्लाइंड है, तो इसके दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ बी डी साइन थीटा, और एक एक्स डायरेक्शन में एफ बी डी कॉस थीटा। 60 का फोर्स अप जा रहा है तो लेंगे पॉजिटिव, एफ बी डी साइन थीटा ये भी एक वर्टिकल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एफ बी डी साइन थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देयरफोर 60 मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी डी साइन थीटा। आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या था? इट वॉज 0.6 आई थिंक। यस, साइन थीटा का वैल्यू क्या था? वो है 0.6। सो दिस इज 0.6। तो यहाँ से आपका एफ बी डी का फोर्स कितना आता है? 60 डिवाइड बाई 0.6 विच इज कमिंग आउट टू बी 100 किलो न्यूटन। दिस इज 100 किलोमीटर। तो आपने यहाँ पे एफ बी डी का भी फोर्स निकाल लिया, यू वर्कड आउट द फोर्स इन द मेंबर बी डी। अब आप देख सकते हैं बी डी में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन टूवर्ड्स द जॉइंट है, वो जॉइंट डी के टूवर्ड्स जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव नेचर। उस मेंबर में जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है कंप्रेशन का, बिकॉज उसका जो डायरेक्शन है फोर्स का वो टूवर्ड्स जॉइंट डी जा रहा है, सो दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर। लास्ट में जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको उसको फोर्सेस मार्क करने पड़ेंगे। सो दिस वॉज अवर ट्रस, ये आपका ट्रस था, ये था मेंबर ए बी सी डी, इसका वर्टिकल रिएक्शन था 60 का, इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन था 80 का। तो आपने ए डी पे जो फोर्स वर्कआउट किया वो भी आपका टेंसाइल था, दिस वॉज टेंसाइल लाइक दिस, इसका वैल्यू क्या था? 80 किलोन्यूटन। आपका वी डी था 60 अपवर्ड, एंड ए बी का फोर्स क्या था? वो भी 60 था, फोर्सेस जॉइंट से अवेज आ रहे थे, सो दिस वॉज ऑल्सो 60। ये आपका मेंबर है बी डी, दिस वॉज ए मेंबर बी डी। सो दिस मेंबर बी डी, इसमें फोर्स कितना आया था? इसमें फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स जॉइंट था लाइक दिस, इसका वैल्यू क्या था? वो था 100 किलो न्यूटन। मेंबर डी सी का फोर्स क्या था? इट वॉज जीरो। सी जॉइंट पे एक 80 का फोर्स था, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फोर्स लिया था जिसका नाम था एफ सी बी, उसका वैल्यू क्या था? 80। सो आप देख सकते हैं मेंबर ए डी में जो फोर्स का नेचर है, द नेचर ऑफ द फोर्स इन मेंबर ए डी इज टेंसाइल, इन द मेंबर ए बी इज ऑल्सो टेंसाइल, इन द मेंबर बी सी टेंसाइल, सी डी पे आ रहा है जीरो फोर्स, एंड बी डी पे आ रहा है कॉम्प्रेसिव नेचर। सो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग मेंबर्स पे फोर्सेस वर्कआउट किए यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स। इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग और डिटेल में इसके फोर्सेस वर्कआउट करने वाले हैं यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।